नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल चौहान जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको GST के बारे में। GST क्या है और ये 1 जुलाई से लागू होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इससे क्या चीज़ें सस्ती होने वाली है और क्या चीज़ें महंगी होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें GST है क्या, तो GST मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST का मतलब हुआ कि एक सामान पर पूरे देश में एक टैक्स लगेगा, जो कि पहले अलग अलग होता था। अलग अलग होने से क्या था, जो हमारे जो सामान की जो कीमत थी अलग अलग देशों में अलग अलग थी। तो अब जो टैक्स एक कर दिया गया है, तो जो सामान की कीमत है वो भी सेम रहेगी सभी देशों में। तो जो केंद्र और राज्य सरकार के 17 टैक्स थे उसको हटा के एक GST क्रिएट किया गया है। बेचने और ख़रीदने वाले जो हैं वो GST के अंदर आ चुके हैं, तो ऐसे में जो सेल्स वेट और जो सर्विस टैक्स है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि GST से क्या सस्ता होने वाला है और क्या चीज़ें महंगी होने वाली है। GST से घर के दाम घटेंगे, किचन का सामान सस्ता होगा। सरकार का दावा है कि GST से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले 81% सामान के दाम कम हो जाएंगे, या तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर लगता भी है तो वो अलग अलग लगेगा। अगर बाइक की कीमत की बात करें तो बाइक की कीमत GST के आने से 1% कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें विमान यात्रा की, तो ये आपको सस्ता भी पड़ सकता है और महंगा भी पड़ सकता है, वो अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप इकोनॉमिक्स क्लास में जाते हो, विमान यात्रा करते हो, तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसमें आपका इकोनॉमिक्स क्लास का 1% टैक्स कम कर दिया गया है, जो कि पहले 6% था, तो इसको 1% कम करके 5% कर दिया गया है। वही अगर आप बिज़नेस क्लास में यात्रा करते हो तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि GST के आने से क्या होगा, जो उसका टैक्स था वो 9% था, तो इसको बढ़ा के 12% कर दिया गया है। और जो फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन है, इसकी कीमतें भी सस्ती होने की उम्मीद है। GST के आने से जो फिल्म देखना काफ़ी सस्ता हो जाएगा। फिल्म पे आप जानते हो कि उस पर पहले जो टैक्स था वो 28% था, तो अब इसको कम कर दिया गया है। GST अगर आ जाएगी तो इसको 18% कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप मूवी देखने जाओगे तो आपको काफ़ी सस्ता टिकट पड़ेगा। अगर हम ऐप टैक्सी की बात करें, तो ऐप टैक्सी में यहाँ पे आते हैं आपके ओला आता है और उबर आता है, तो इनकी राइड भी काफ़ी सस्ती होने वाली है। इसे 5% टैक्स कैटेगरी में रखा गया है, और जो कि पहले था वो 6% कैटेगरी में था, तो 1% यहाँ भी कम हुआ है। इसकी वजह से जो आपके राइड है वो भी काफ़ी सस्ता होने वाले हैं। और कार की बात करें, तो यहाँ पे जो छोटी कार है वो काफ़ी महंगी होने वाली है, और जो बड़ी कार है वो सस्ती होने वाली है। तो अगर छोटी कारें अगर महंगी हो रही है, लोगों को पता है, तो इस टाइम पे जो छोटी कार है इसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 1 जुलाई से GST आ जाएगा। इसकी वजह से जो छोटी कार है वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। इसका मतलब है आपका जो उसका टैक्स है वो बढ़ जाएगा, वो 3 से लेके 5% महंगी होने वाली है। तो अगर हम बात करें बड़ी कारों की, तो जैसे सेडान, XUV, GST आने के बाद सस्ती होने की उम्मीद है। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको 5% रेट में रखा गया है। ट्रेन के जनरल डिब्बो, स्लीपर और जनरल बस में यात्रा करने पर आपके जो टैक्स है वो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप AC ट्रेन और AC बस में यात्रा करते हो तो वहाँ पे आपको 5% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी बढ़िया किया GST ला के। GST के लाने से क्या होगा, जो आपका टैक्स है वो टैक्स चोरी नहीं हो पाएगा, जो कि पहले लोग टैक्स चोरी करते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं होगा अगर GST आता है तो। GST के आने के बाद अगर टैक्स चोरी नहीं होता है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी चीज़ें सस्ती होने वाली है, और महंगाई काफ़ी दर तक कम हो जाएगी, और इससे जो देश का विकास है वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, जो अभी मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल चौहान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।